पर रुके हैं भाई से जो है ना सत्तू ले रहे हैं, क्योंकि इसके जिगर में जो है ना बहुत ज्यादा गर्मी है। मैंने कहा सत्तू पी लो। ऐश को छोड़ो यार, ऐश का कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। चलो यार पियो आप बस, ये लो। तो जो ना आज ना करेले की मेरी पसंद की जो है ना सब्जी ले आए हैं भाई। फिर बात किधे में ना पी यार, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? कौन से काम पे? कोई आपकी सरकारी जॉब लग गई है? काम पे जा रहे हो? इधर आके कोई सरकारी जॉब लग गई है? ना कर यार, इधर रहे यार, ना जा यार। सरकारी लग गई है, जॉब पे जा रहे हो? यार ना मान, ना जाओ ना। कहाँ जाओ? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुल्तान ब्लॉग। रहने मेरे साथ जाना चैनल कर सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। तो फ्रेंडली आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम ना कल से इधर ही रह रहे हैं, तो ये भी पता होगा कि हमने ना 3 दिन का यहाँ पर स्टे करना है, ठीक है ना। तो 3 दिन के बाद हमारा काम होगा तो फिर हम जाएंगे। लेकिन आज हमने एक और तरकीब सोची है। हमने ये सोचा है कि हमने इधर से निकल के ना किसी और के मतलब पास जाएँ, और कोई मतलब एक दोस्त है हमारा, वो हमें बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं कि यार मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, क्योंकि व्लॉग हमारा बहुत देखता रहता है हमारे। और ये नहीं है कि हमारी पहली मुलाकात है, पहले भी काफ़ी बार हमारी मुलाकात हुई है, लेकिन वो दोस्त है, भाई है, उसने अभी हमें इनवाइट किया है। तो मैंने जाफर को बोला वैसे हम इधर रह रहे हैं तो क्यों ना उसके पास चले जाते हैं। तो जाफर ने बोला जहाँ पर आप जाओगे हम भी आपके साथ हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मैं जहाँ जाऊँगा तो आप भी मेरे साथ हो। तो अभी हम निकल रहे हैं, जुमा नमाज पढ़ते हैं जाके, टाइम क्योंकि हो गया जुमा नमाज का, जुमा नमाज पढ़ते हैं। जुमा नमाज पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने देखना कि हम कहाँ जा रहे हैं, सारा सफ़र जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और जब पहुँचेंगे ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो ज़रूर आप लोगों ने देखना है हमारा सफ़र कि हम कहाँ जा रहे हैं। चलें जाफर भाई पानी पिला दो एक गिलास, फिर चलते हैं। बस तेरी खैर, आज इतना गुस्सा, कोई भाई अपने भाई को जहर पिलाता है वो भी अपने हाथों से। मैं तो ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ कि कोई भाई अपने भाई को अपने हाथों से जहर पिला रहा है। पानी मीठा है ना, पानी मीठा है ना। कराची में मैंने पहली जगह, कराची में मैंने पहली जगह पर देखा जहाँ पर यह पानी मीठा है, वरना सारे कराची में कड़वा पानी है, नमकीन पानी। ये देखो अब ये खुद पिएगा, ठीक है ना, गिलास में डाल के ना ये खुद पिएगा अभी। ये देखो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वाह जी वाह। चलन जी अभी निकलते हैं, टाइम काफ़ी सारा हो गया है। तो अभी उठे थे हम, हमने तैयारी वगैरह की, तैयारी वगैरह करने के बाद जो ना अभी निकल रहे हैं। या फिर क्या सीन है, घूमने फिरने जाएं या भाई के पास जाएं? भाई, भाई, भाई के पास जाएं, पक्की बात है? देख लो, फिर भी देख लो, मैं आपको सोचने का मौका दे रहा हूँ, आप सोच लो, देख लो, चलें, पक्की बात है, चलो आ जाओ। चलें जी चलते हैं, जाके जुमा नमाज अदा करते हैं। जुमा नमाज अदा करने के बाद जो है ना फिर जो है ना निकल जाएंगे अपने आगे के सफ़र की तरफ। आ जाओ जनाब। हेलो, वो दूसरे कमरे को ताला तो लगा, ताला तो लगा इसको, ऐसे जा रहे हैं। चाबी वो पड़ी, ये कमीज हटा लो, चल भी इसको लगा ताला। चल अभी बैर वाला ताला वो खुद लगाएगा भाई, उसको बोल दे, बोल दे कि भाई हम जा रहे हैं, ये फिर ताला लगा देना। अगर
हम जा रहे हैं। गेट में ताला बाहर तो दूसरे गेट पे, एक गेट पे ताला लगा दिया अंदर वाले, ठीक है, बाहर वाला खुला है। क्या पता हम फिर वापस आना पड़ जाए हमें, चाबी ले जाए, क्या पता आना पड़ जाए। हैं? हाँ लेकिन वो रात को थोड़ी हो सूला, क्या तो जल्दी आने पे हम यहाँ टोर पे थे अभी, क्या तो उधर ना जाए फिर बोला, ये चाबी खुद साथ ले जाए। बहर वाले कमरे की चाबी ले जाओ, ये है मेरे ख्याल में ना। नहीं नहीं ये है बहर वाले की, बड़ी चाबी है ये, इसको निकाल दो, अब बाकी चाबी उधर रख दो, फिर उसको हम नंबर बता देंगे, ठीक है, कि चाबी कहाँ रखी हुई है। चलो चलो यार, ये चाबी हमने निकाल ली है, शायद मैं कहता हूँ कि रास्ते में हमारा प्रोग्राम कैंसिल ना हो जाए, जब प्रोग्राम हमारा कैंसिल हो जाएगा ना तो फिर चाबी तो हमारे पास होगी ना, फिर हम ये गेट शेर मतलब खोल के ना आ जाएंगे वापस यहाँ पर। अरे देखें इधर चाबी लगती है कि नहीं, लगती है वह लगती है, लगती है चाबी। चलो आ जाओ, ये अपने पास रखो, गुम नहीं करना इसको। चलो जी अभी पहुंचे हैं बस अड्डे पे, जाफर भाई परेशान नजर आ रहे हैं और यहाँ वहाँ देख रहे हैं गाड़ियाँ चल रही हैं और हम जो है ना उन गाड़ियों को देख रहे हैं। ये देखो हम आए हुए थे बहर भाई के साथ, आगे आगे जा रहे हैं, उसके साथ ये जाफर भाई जा रहे हैं। हम ना सब्ज़ी लेने के लिए आए हैं क्योंकि सब्ज़ी यहाँ से अच्छी मिलती है, भाई ने बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, कहते हैं करेले लेते हैं, मैंने कहा चलो ठीक है, तो अभी जा रहे हैं सब्ज़ी लेते हैं। आज सब्ज़ी बनाने का जो है ना हमारा इरादा है, तो जाके देखते हैं कोई अच्छी सी सब्ज़ी है तो फिर वहाँ से लेते हैं। बाकी चलते हैं, देख यार चेक कर, लेनी है कोई मुंडे का स्टाइल चेक कर, रुके हैं भाई से जो ना सत्तू ले रहे हैं क्योंकि इसके जिगर में जो है ना बहुत ज्यादा गर्मी है, मैंने कहा सत्तू पी लो, हम भी जो है ना सत्तू पीते हैं, भाई भी जो है ना पीते हैं, अभी पी लो, अब पी यार टड्डा है, पी के बता कैसा है। हाँ अच्छा से गुड़ल है, बिस्मिल्लाह। ये तो है, इससे आपका मैदा ठहर जाएगा, जब रिपोर्ट करवाने जाएंगे ना सोमवार को अब, तो आपको ये सत्तू पिला के जाऊंगा। हाँ मजे बेसिक सत्तू वो आके पी सकता है, ये देखिए हम तो पी रहे हैं अभी सत्तू पी के, फिर सब्जी लेते पे निकल देगा। हम कहाँ पर बैठे थे यार, सुराब गोड़ी बैठे थे, मैंने कॉल की थी शहजाद को कि यार हमारे पास आ जाओ, यहाँ पर गपशप लगाएंगे, रात हमारे पास मिलेंगे, इधर खाना शाना इकट्ठे खाएंगे, गपशप लगाएंगे। तो शहजाद भी माशाल्लाह हमारे पास पहुँच चुका है, कैसे हो जनाब, तबीयत कैसी है? बिल्कुल फिट,
और इसने ना हमारे साथ एक ज्यादती की है, ये साथ लेके आया ये स्टिंग वाली बोतलें तीन, लेकिन ये अच्छा नहीं किया यार। दरअसल दिल कर रहा था यार, इसे नहीं करो तुम। बुलाया मैंने आपको है, ठीक है ना, तो मेरा हक बनता था। रिहायश को छोड़ो यार, रिहायश का कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। चलो यार पियो आप, बस ये लो। नहीं, ये एक बड़ी ले आया है, जाफर ने पीनी नहीं है यार। मैं बताता हूँ इसने ना ये बोतल वगैरह नहीं पीनी, वो इस वजह से क्योंकि इसका मेडिकल ना भाई टपू हो। सुने क्योंकि इसका मेडिकल है ना, टेस्ट है सोमवार वाले दिन, मेरी थोड़ी तबीयत अब सेट है। कहाँ जा रहे हो, कैसे आए हो, बताएं ना। वही टेस्ट करवाने आए हैं। बहुत परेशान लग रहे हो। परेशान तो है यार, अब मेरे मुंह पे भी 12 बजे हुए हैं, इसके मुंह पर भी रात के 12 बजे हुए हैं, तो परेशान क्यों ना हो हम। यार पहले हमने मेडिकल करवाया है, हमारा मेडिकल अनफिट कर दिया उन्होंने, फिर हमने पैसा मारा है, फिर उन्होंने कहा कि सोमवार वाले दिन आपको आप लोगों यानी कि मेडिकल क्लियर कर देंगे, तो अभी सोमवार की वेट कर रहे हैं हम। अभी फंसा हुआ है, अभी इसको निकलवाना है। चले पी लें यार, बोतल शोतल पी लें, बाकी गपशप लगाएंगे। रात को जो है ना अभी लेके हम आ गए हैं वापस, तो जनाब इधर बैठे हैं, और साथ में जनाब आज ना करेले की मेरी पसंद की जो है ना सब्जी ले आए हैं। भाई ने बोला है कि यार आज क्या खाओगे आप लोग, तो मैंने बोला यार जैसे आपको आप बोलो, कहते चलो आज ना करेले खा लेते हैं, मैंने कहा ये तो मेरी फेवरेट है, तो फिर करेले ले आए। अभी ये देखें जाफर लगा हुआ है, करेले कटाई कर रहा है, कैसा कैसा महसूस हो रहा है आज करेले कट के। घर में तो एक मिर्च भी नहीं काटता था, इधर तो पूरे के पूरा थाल करेले का काटना पड़ रहा है। अभी बाकी के जो लोग हैं ना वो अभी यहाँ पर पहुँचे नहीं हैं, वो शाम को आते हैं, मतलब 6:30-7 बजे तक, तो तब तक हम जो है ना सोच रहे हैं कि ये सालन जो है ना हम तैयार कर लें इधर, तो इसको अभी कटाई करेंगे, इसको नमक लगाएंगे, नमक लगा के ना फिर ये मसाला कटाई करेंगे, मसाला कटाई करने के बाद ये तब तक नमक में कुछ मतलब वो क्या कहते हैं यार इसको शहजाद, नमक में क्या हो जाएगा, नमक मिक्स हो जाएगा, वीआईपी बन जाएगा। नहीं वीआईपी नहीं, इसका मतलब हाँ इसकी करवाहट जो है ना मर जाएगी, फिर उसके बाद जो है ना खाने का मजा ही आएगा कुछ। आज आपको करेले की दावत दे रहे हैं, क्या पसंद है? अल्हम्दुलिल्लाह पक्की बात है, देख लो फिर फिर हमारी यार तुम जो भी खिलाओगे मैं वही खा लूंगा। मेरी बात सुनो, व्लॉग्स हमारे देखते हैं, फिर हमारी भाभी ये ना बोले कि यार शहजाद इतना सफर करके गया फिर उसने करेले खिलाए। देखती वही है, मैं वही बोल रहा हूँ ना, फिर ये ना बोले कि शहजाद इतना सफर करके गया। आप व्लॉग बना रहे हो वो सुबह देखेगी अच्छा है क्या नहीं। चलो फिर आपको होटल पे ले जाएंगे। देख लेंगे क्या सीन बनता है। बाकी जो है ना बहर हम गए थे उधर घूम फिर के आगे, शहजाद को भी लेके आना था इधर, तो इसको भी लेके आगे उधर सुराबपुर से, तो अभी जो है ना फिर खाने पीने का क्योंकि टाइम काफ़ी सारा खर्च हो गया पहले से, और आज जो है ना काफ़ी सारे हम बिजी भी रह गए है ना जाफिर जी, तो टाइम मिला नहीं है। मैंने कल बोला था कि हम ना घूमने फिरने के लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी हमें जो है ना टाइम नहीं मिला। टाइम टाइम की बात होती है, लेकिन टाइम मिले तो फिर सही है, ना मिले तो फिर क्या कर सकते हैं। हाँ तो अब शहजाद आ गया है, बाइक भी अपनी ले आया है, तो अब घूमने फिरने का मज़ा आएगा। कैसे फिर देखते हैं कल, कल फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि बाइक पे ना जाएं, रिक्शे पे जाएं। हाँ रिक्शे पे जाएं, रास्ते भूल जाएंगे यार। ठीक है ना, कल जो हमारा टूर है ना कल का, कल घूमने का है, पक्की बात है घूमने का। जी जी यार फोन करता हूँ, उसकी गाड़ी मंगवाते हैं। अच्छा अगर फ्री होगी तो इधर कराची में गाड़ी फंस जाएगी। कहाँ फंस जाएगी, ऐसी फंस जाएगी तो और क्या यार, इतना रश होता है ना भाई। कोई बात नहीं, हम ड्राइवर नहीं है यार, तू इतना बड़ा ड्राइवर बैठा है, कहाँ है यार मर्जी है तेरी।
यार वो बात तुम्हारी ठीक है। तो फिर इतने बड़े ड्राइवर हो तुम, गाड़ी फंस जाएगी। बड़े बड़े ड्राइवर इधर मार देते हैं गाड़ियाँ। नहीं मारते, अल्लाह खैर करेगा। चल कॉल करके पता कर लेंगे यार, वो खुद आ जाएगा। हाँ कॉल करके पता कर ले। हाँ पता करते हैं उसका। अगर वो आ जाए तो सही है, लगता मुश्किल है यार। दरअसल उनके काम कार बहुत है ना, उनका बैरिया में उनका काम बहुत है। वही तो बात है ना, बिजी बंदे हैं ना, वो बिजी होते हैं ना। नहीं नहीं, हम बाइक पे जाएंगे या फिर हम रिक्शे पे जाएंगे। चलो ठीक है ना, जहाँ हाँ सुबह हो फिर देखेंगे, जो सीन अच्छा लगेगा। बाकी आपने छुट्टी छुट्टी मांग के आए हो ना घर से, छुट्टी दुकान की। हाँ, ये ना हो फिर, मैं वही बात बता रहा हूँ, ये ना हो फिर जो है ना वो अच्छे ना होते ना, इसको घर से बाहर फुरकने भी नहीं देते। अभी अभी जब ये आ रहा था ना, तो जो हमारी होने वाली भाभी भी है, लेकिन भाभी से पहले यार मेरी बहन है, उससे बात हुई है। तो वो कह रही थी कि शहजाद को मैंने नहीं आने देना, क्योंकि सफ़र बहुत है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर शहजाद इधर नहीं पहुंचा ना, फिर मैं उधर पहुंच गया ना, फिर काम ख़राब हो जाएगा। फिर शहजाद भी खल्ले खाएगा और आप भी खल्ले खाओगी। फिर बोलती है कि शहजाद जाओ जाओ यार, मुझे कपड़े नहीं दे रही थी। वही बता रहा हूँ ना, बस बाहर से जाके इस्त्री करवाता। मैंने उसको पहले बोला है, फिर वो मार के डर से ना, फिर उसने कहा जाओ जाओ चलो, भाई से मारना पड़ जाए। तुम्हारी भाभी है ना, तुम्हारी बात मान ली, हमारी भाभी नहीं है। मोबाइल भी उसने ले लिया था, दे ही नहीं रही थी, उसने बोला नहीं मोबाइल नहीं लेना। मोबाइल न्यू ले लिया है। हां मोबाइल न्यू लिया। वाह जी वाह, ये तो आईफोन से। अभी आईफोन लेना है यार, आईफोन नहीं, अब आईफोन लेना। अभी ठीक हो, आईफोन आपके पास आया हूं, इसकी आप आईडी वाली बना के दो, अकाउंट बना के दो। आज रात को इसको करते हैं, इसका कुछ सीन लाइव ओपन करेंगे। हाँ यार, बताइए टिकटॉक की लाइव ओपन कर दूंगा मैं आज। हाँ, ओपन कर दे, ओपन कर। बैठोगे लाइव पे? हाँ बैठूंगा। पक्की बात, मेरे साथ मैच लगाओगे? हाँ हाँ लगाऊंगा। सही है, सीधा शेर मारेंगे। शेर तो नहीं मार सकते, इतना जरूरत नहीं है। शेर मारने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। भाई कितना रह गया है? भाई कितना रह गया यार, पूछो अब इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? जिंदगी में पहली बार काटना पड़ गया, अब इतना गुस्सा हो रहा है तुम? ना ना, ये काम हमें बोलो, टीका लगाओ, हम टीका लगाएंगे। कोई मरीज हो ना हो, हम टीका लगाएंगे, हम डॉक्टर हैं। बाकी ये छुरी छुरी वाला काम हम नहीं करते, और हम डरते भी हैं छुरियों से। क्या था शहजाद? शहजाद को पता है मेरा यार, कहाँ बैठा तेरे को पता है? मैं बैठना हूँ ना पकवान सेंटर, मैं वही बता रहा हूँ। बाकी ये अभी तैयार होते हैं, फिर इसकी जो है ना भुनाई शुनाई करते हैं। भाई देखो, भाग के नमक लेने जा रहा है यार, बर्फ ले आते यार। नीचे चले जाए, हम ले आए, चले भाई से पूछते हैं। गोदा वह गोदा, बर्फ कितना मिल दिया था? ना कर। अच्छा वाह सही वाह, बर्फ आई हुई है पहले से। भाई ये जो एसी है ना, कूलिंग करता है ये? नीचे कूलिंग करता है, इधर हीट करता है। मैंने कहा चलो मैं कपड़े झपड़े उतार के सोऊंगा यार। भाई मेरी बात सुनो, ये जो लगा हुआ है ना नीचे घर वालों का लगा हुआ है, ये ऊपर ये पंखा लगा हुआ है, ठीक है ना? तो साहब मेरे एसी नीचे चलता है, ये पंखा ना हीट पकड़ता है, हवा पकड़ता है। आज की रात बोलेंगे हमें दे दो, हम सुबह चले जाएंगे। हाँ यार तो आया है। सही है, पूरी रात फिटिंग करने में लग जाएगी हमारी। कोई बात नहीं, एसी टेक्निक का काम करके आया हूँ ना भावल को डीएचए। अच्छा। काम जानता हूँ ना, तेरे को पता नहीं है, कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। सही है, फिर इसको नीचे से ले आते हैं, फिर इधर लगाए, इधर लगा देंगे, क्योंकि इधर दीवार पे लगाएंगे ना, हवा कुछ उनके पास भी जाए, कुछ हमारे पास भी। नहीं अभी अल्हम्दुलिल्लाह हवा बहुत सही है, कोई बात नहीं। ले आओ जनाब ले आओ। ओए होए होए होए, क्या ही बात है यार, कसम खुदा की यार, इस बंदे ने तो आज हद कर दी है। मेहनत क्या की है यार, भरपूर इतना मेहमान नवाजी कर रहे हैं हमारी। और ये करेले जो बना रहे हैं ना, ये भी आप लोगों में बता दूं, ये मैंने बोला है, खिलाऊंगा ये मैंने बोला है, और ये मेरी फेवरेट चीज़ बन रही है, पता है आपको? हाँ भाई की और मेरी ये डील हो गया हमारी। खैर हाँ, मैं प्लेट को खिलाया, क्या क्या मिलकर ही नहीं।
पानी आप देती है मैं तब पिता ये सामने कूलर ना थे मैं मानेंगे ना उसे काम कर मैंने बता डांट दे दूर से आए हुए यार आप लोग ने बताने के मेहमान ये हुआ यहाँ चलो देखते हैं कमेंट में बताएंगे ये सामने रखा हुआ है शाबाश इंसाफ पर मेरे ख्याल में ना आते जो है ना ये देखो थका हुआ है आके लेट ही गया है हमारे पास लाइट अभी तक नहीं आई और मौसम जो है ना ये देखे ना बारिश का बना हुआ है चारों तरफ से और दूसरी बात ये है जो हम आज रेसिपी बना रहे थे ना लाइट बल्कि आई हुई है यार अभी भी आई है चलो बल्ब जलाओ यार वाह ये देखो हो गई है रोशनी वाह जाफर भाई वाह तो जो हमने ना रेसिपी अभी स्टार्ट की है ना बनाने के लिए हमारे लिए जो आज की रेसिपी बन रही है उसमें जो नमक हमने मारा था ना अभी इसको धो रहे हैं ये देखिए इसको ना अभी धो रहे हैं तो नमक शमक जो है ना ख़त्म कर लिया उसके बाद जो है ना तुम आग शाग जलाओ यार यार चिट्टे आग शाग जलाओ यार आग शाग जलाओ यार इधर आ जा आ जाओ नहीं आती जोर से बोल मुझे नहीं आती अच्छा चलो सही है तो अभी ये देखिए सेटिंग सारी जो है ना कर रहे हैं ठीक है ना तो अभी ये जो है ना रेसिपी बनाएंगे और आप लोगों को जब दिखाएंगे शेयर भी करेंगे अभी बनाएंगे तो भाई यार ना मुझे आता है बनाना और ना आता है अपना जाफिर भाई को और ना शहजाद को हम तो तीनों ऐसे ही वेले के वेले आवारे हैं बिल्कुल ये देखो सीढ़ियाँ ऐसे जा रही है हमारी सीढ़ी जाफर भी अभी सो रहे हैं यार आप भी थके हुए हो यार शहजाद हमारे पास आ चुका है तो हम ना सोच रहे हैं कि कल ना हम कहीं निकलेंगे इंशाल्लाह घूमने तो एक और जगह पे हमारा प्रोग्राम बन रहा था लेकिन उधर जो है ना हम नहीं गए कल इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे और इंशाल्लाह घूमने के लिए भी जाएंगे और वहाँ से आप लोगों को जो है ब्लॉग भी शेयर करेंगे बड़ा VIP डिफरेंट ब्लॉग शेयर करेंगे आप लोगों ने देखना है वाकई में बड़ा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह तो भाई जान अभी खाना शाना रेडी कर रहे हैं तब तक हमारे दूसरे दोस्त भी आ जाते हैं तो मिल के जो है ना बैठ के फिर खाना शाना जो है ना खाएँगे तो फिलहाल के लिए अभी बैठते हैं हम जब तक खाना बनता है आ गए भाई इतना जल्दी आ जाओ खैर हो गए चलो हाँ जनाब सुबह मैं आपको बताऊंगा कि मोबाइल कैसे पकड़ते हैं व्लॉग कैसे बनाते हैं ठीक है ना सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा ओहो जनाब क्या ठीक है अंसर अंसर भैया गल करीब ठीक है माशाल्लाह बाकी के लोग भी अख्तर भाई वाले भी आ गए हैं अभी खाना आज रेडी हो रहा है हमारी पसंद का तो फिर इंशाल्लाह सब लोग बैठ के खाएंगे कढ़ाई नहीं है खैर कढ़ाई से भी बढ़कर है यार सब्ज़ी जो है ना यकीन माने कि बड़ी अच्छी लेवल की सब्ज़ी होती है यकीन मानो बड़ी लेवल की सब्ज़ी और जो अभी बन रहा है ना करेला बन रहा है आप लोग शौक से खाते होंगे मुझे पता है जितने भी देख रहे अभी बन जाए फिर बोलेंगे ज़्यादा जल्दी है क्या जब बनेगा तो फिर बोलेंगे ना यार अभी तो कच्चे पड़े हुए कच्चे खाएंगे यार उनके आने तक पक जाएंगे अच्छा चलो यार फिर आप लोग टाइम के साथ फिर आप लोग टाइम के साथ आ जाओ जाफर ने लगता है सही बोला है मैंने गलत बोला है ये मतलब जब तक बनती है ना करेले तब तक आप लोग भी पहुंच जाओगे मौसम काफ़ी सारा ख़राब है वीडियो एडिट करनी है डालनी है ठीक है ना तो काम ख़राब है आज हम कहीं जा रहे थे बैग शैग उठा के गए थे सुबह आप लोग को पता है फिर घूम फिर के बैग को घुमा शुमा के वापस आ गए और बैग को घुमाने गए हाँ, बैर डर के मारे में ब्लॉग भी नहीं बना रहा था मैंने कहा कोई मेरा मोबाइल छीन न ले दूसरी बात यह है अब शहजाद आ गया अब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं है लगा अब मैं खुलेआम शरेआम ब्लॉग बनाऊंगा कराची में
जिसने मेरा मोबाइल छीना वो आगे यार हम डरते थोड़ी नहीं कहाँ बैठा है यार यार तू इधर रहते है तू नहीं डरता हम डरते हैं भाई नहीं यार कुछ नहीं होता गरीब बंदे हैं तो मुझे पहले तो बता मैंने व्लॉग नहीं बनाया डरता हूँ ऐसे कोई छीन के ले ना जाए तो वही ना डर लगता है ना भाई ख्याल करना होता है ना हाँ मैं भी गरीब हूँ यार तो ये नहीं माना कि शायद तेरी वजह से व्लॉग बना रहा था मोबाइल छीन के यही बात है यही बात है बस कल को मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ चलें जी खाना बनता है वो फिर खाएंगे वीडियो भी लंबी हो रही है फिर मैंने अपलोड भी करनी है इसी वजह से ना आप लोगों को पता है ना जब से मैं कराची आया हूँ मेरी वीडियो 10-11 बजे आ रही है तो यार लेट हो जाती है यार सिग्नल प्रॉब्लम होता है सिग्नल भी नहीं होते अभी ऐसे लोग यहाँ पर इनका टेंशन मिलते हैं नेक्स्ट लोग में तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।